मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं खुद अनजान हूँ कि ये रास्ता मुझे कहाँ लेके जा रही है। हेलो लवली पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम बैक विथ अनदर ट्रैवल वीडियो। दिस वीडियो इज़ नॉट प्लान वीडियो। मैं बस निकली थी कुछ न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने और वो जगह मुझे इतनी पसंद आई, अच्छी लगी मेरे को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए वो वीडियो बना दूँ, क्योंकि मेरे को वो जगह जो थी बहुत शांत लगा। एंड जब आपको पता ही है मैं जब कोई नई जगह एक्सप्लोर करती हूँ मेरे को अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। तो इसी बात पे चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कोई भी ट्रैवल प्लान नहीं कर सकते, पहले से प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी न्यू गाइडलाइंस आ जाती है। तो सो मैंने भी सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए ट्रैवल वीडियोस तो लाऊं, लेकिन सेफ्टी के साथ, जिसमें आप भी सेफ होंगे और साथ में अनएक्सप्लोर प्लेसेस भी जो है बैंगलोर के पास में वो मेरे साथ आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। अनएक्सप्लोर प्लेसेस की सबसे खास बात क्या है पता है? वहाँ आपको लोग कम देखने को मिलेंगे और सबसे अच्छी बात होती है कि वहाँ पे व्यू का आनंद आप शांति से ले सकते हैं। तो क्यों ना हम इसका एक सीरीज़ बनाते हैं, जिस सीरीज़ का नाम होगा लाइक अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस नियर बैंगलोर, और वी कैन से दैट हिडन जेम नियर बैंगलोर। तो ये वीडियो जो होगा वो फर्स्ट एपिसोड होगा इस सीरीज़ का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंगलोर के 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक जगह है जिसका नाम हिसरा घाटा, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, हिसरा घाटा लेक है। वी टुक ए टूर अराउंड द सैनिक हिसरा घाटा मेन रोड। द रोड इज़ वेल मेंटेन्ड एंड लाइन अप विद स्मॉल फार्म्स एंड प्लॉट्स ऑफ एग्रीकल्चर्स। दिस प्लेस इज परफेक्ट फॉर वीकेंड मॉर्निंग और इवनिंग ड्राइव। यदि आपको मन कर रहा है कि आपको एक ड्राइव पे जानी है अच्छे व्यू के जगह वाले जगह पे, तो आप परफेक्टली इस प्लेस को आप रिकमेंड मेरे तरफ से रिकमेंडेशन ले सकते हो और आप इस प्लेस पे जा सकते हो। सो दिस प्लेस हैविंग सो मच काम एंड पीस, साथ में आपको सैनिक व्यू भी बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। तो इस प्लेसेस के जो रिव्यू थे मैंने बहुत मोस्टली निगेटिव ही पढ़ा था, क्योंकि वो यहाँ का जो लेक है लेक का पानी सूखा था। बट अभी के टाइम में गई थी मैं सैटरडे को संडे के वीकेंड में ही गई थी पिछले वीकेंड में, तो मेरे को वहाँ पे बहुत पानी मिला, मतलब अभी का अच्छा था, लेक में पानी भी था और व्यू बहुत अच्छा है, तो आप वो बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। This is the parking area. I don't know ये क्या लिखा हुआ है। This is the lake. यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। यदि आप बैंगलोर में रहते हो और आपको एक दिन के लिए घूमने आना है तो आप इस जगह पे आ सकते हो। वैसे तो मैंने इसके रिव्यूज़ अच्छे मिक्स्ड रिव्यूज़ पढ़े थे, बट एक्चुअल में ये बहुत अच्छा जगह है, तो आप डेफिनेटली ये जगह ट्राई कर सकते हो। एंजॉय द व्यू।
यहाँ पे आप शाम में भी आ सकते हो और शाम में अच्छा खासा यहाँ पे वॉक कर सकते हो। बहुत बड़ा जगह है। और बैंगलोर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। बैंगलोर से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये जगह है। इंसान तो दिख ही रहा है, वहाँ पे लोग हैं, बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। सिटी से बाहर नेचर के बीच में इट फील्स लाइक कि अब जब आपको सिटी से थोड़ा बाहर आना हो तो आप ऐसी जगह पे आ सकते हो और आपको सच्ची में रिलैक्स फील होगा। देखते हैं कैसे जाते हैं। यहाँ से भी कोई रास्ता है? आई थिंक जंगल की तरफ जाते हैं रास्ता। बहुत अच्छा दिख रहा है। और सिकिरी पार्टी एक साउथ की मूवी है, उसमें ये जगह इसी जगह पर शूट हुई है। तो देखते हैं कैसा है ये जगह। Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe something. मैंने ये भी सुना है इस जगह के बारे में कि पहले यहाँ से बैंगलोर के लिए पानी सप्लाई होता था, बट पहले ही बहुत बड़ा लेक हुआ करता था। अब ये छोटा लेक हो गया है, यहाँ से पानी सूख गया है, तो अब यहाँ से बैंगलोर के लिए पानी सप्लाई नहीं होता। चल, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आपको कुछ खाने को भी मिल जाएगा, आई थिंक झाल मूरी या कुछ भेल पूरी। तो ये है हमारी जगह, यहाँ कुछ बैंक मिल जाता है। और ये है वो जगह, स्टिल आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, बट ये तो बंद है, यहाँ पर नहीं जा सकते इसके अंदर, क्योंकि बंद नहीं जा सकते। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे हैं। दिस प्लेस इज फेमस फॉर फिशिंग ऑल्सो। यहाँ पे आप फिशिंग आगे कर सकते हो। पिकनिक के लिए बहुत अच्छा जगह है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आ सकते हो। एंड व्यू बहुत ही अच्छा है। That's it for today's video. Thanks for watching, and yes, please subscribe to my channel if you haven't.
And if you have any questions regarding this video or if you have any suggestions, remember to leave it in the comment section below. Until then, it's me, Sylvie Suman, signing off. We'll meet you on our next video. Till then, take care.